इज़ मोहम्मद बिलाओ एज वॉचिंग आई एम बिलाल इट्स मेरा वायल हमेशा ही कहता हूँ लेकिन बिना वायल मेरा सब सिंसम इस रूम पे और इस सेटअप पर वीडियो बनाई ठीक है आज बड़ा दिल कर था वीडियो बना का वो कहते हैं ना याद यार आई आज तो बड़ा दिल कर रहा था वीडियो बना देगा वीडियो बनाते हैं उस चिंगो बॉट के क्यों ना हम अपनी वीडियो क्रिएशन की जर्नी पर वीडियो बनाए कैसे रिफ्लेक्टेड अपन माई जर्नी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एज अ वीडियो मेकर वॉल एट उस पर जर्नी उस पर वीडियो बनाए एक थोड़ा हार्ड टू हार्ड करें अबाउट हॉल स्टार्टेड और मैंने क्या क्या किया और क्या करने का सोचा गया इतना आ गया ठीक है तो बेयर विद बी बॉयज एंड गर्ल्स तो 2021 में उन चैनल शुरू किया और 2021 के बाद ही उन्हें वीडियो तलाई शुरू की उससे पहले भी थी एक दो लेकिन उसके बाद में प्रॉपर वीडियो करना शुरू की और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा फिर हमने वीडियोज़ परीडियोज़ पर वीडियोज बनाई टू एक्सटेंड के अभी हमारे चैनल पर नाइन्टी सेवन पब्लिश वीडियोज़ हैं तेरह चौदह प्राइवेट भी है लेकिन नाइन्टी सेवन पब्लिश वीडियोज़ हैं तो दैट शोज यू कि हमने ट्राई सब कुछ किया हमने हर चैनल ट्राई किया चाहे वो लाइव स्ट्रीम हो पॉडकास्ट हो स्टोरी टाइम हो क्वेश्चन आंसर्स हो रिएक्शन हो सब कुछ ट्राई किया अब सीन ये है लगा कोई ना होगा वीडियो के अंदाज से कि मैं बड़ा कुछ ट्राई किया मैं सब कुछ कर दिया लेकिन मैं तंग आ गया हूँ ऑल तो मुझे अपने आप से भी, भी गिला है कि मैंने उस कंसिस्टेंसी से ट्राई नहीं किया दो तीन वीडियोज बनाई ऊपर नीचे लगे फिर तीन मैंने गैप भी ले लिया चार पाँच वीडियोज बनाई दो हफ्ते का गैप ले लिया ठीक है मुझे अभी अपने आप से इतराज आएगी अभी भी लेकिन इस वीडियो का मकसद ये कि मैं वीडियो चैनल छोड़ के जा रहा हूँ यूट्यूब इस समझते हैं यूट्यूब यूट्यूबिंग राइटिंग रीडिंग ये चीज़ ऐसी चीज़ें ऐसी है जो मैं छोड़ नहीं सकता मुझे बहुत पसंद है चूंकि मैं अपने को एक अच्छे लेवल पर एक्सप्रेस भी कर पाता हूँ और अपने को इधैंड भी कर पाता हूँ कुछ कौ कंसिस्टेंटली कॉन्सटेंटली ठीक है लिखने से थाट आर्टिकुलेशन से वीडियो आर्टिकुलेशन से और रीडिंग से ठीक है तो यूट्यूब बिग वॉज मोर देन एविथिंग एल्स टू बी वॉज अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ठीक है जो कि मे भी है व्यूज़ आए ना आए है और व्यूज़ के लिए मैं करता हूँ ना अभी तक तो मैं सत्या लम्बा चलता ना मैं छोड़ चुका होता तीसरी वीडियो पर थर्टी वन थर्टी टू वीडियोज़ पर छोड़ चुका होता मैं ठीक है अभी चल रहा हूँ अभी भी चल रहा हूँ आगे भी चलाऊंगा इन शाला वो इसलिए चूंकि मुझे मज़ा आता है जनवरली मज़ा आता है एक में खैर अब मसला पता है क्या है पहले हम सब कुछ ट्राई कर लिया अब वो समझ आ गया मैं ट्राई कर लिया मुझे अब इस्टेब्लिश हो गया यह चीज़ें मुझे मज़ा आता है ये चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आता

ठीक है ना कौन सी हदीस में किसके लिए बात हुई है शिया सुली इख्तलाफ और रफील उद्यान करना चाहिए करना चाहिए वजू के मसाइल ठीक है इसके अलावा मैं साइकोलॉजी का प्रॉपर साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ ठीक है प्रॉपर से बता दिए बैचलर्स करो साइकोलॉजी में तो मैं तो मै कैन डब्लू वाट साइको साइकोलॉजी स्टाफ इज मै फ़िलासॉफिकल स्टाफ में भी बात कर सकते हैं कि भाई टाइम क्या है और स्पेस क्या है और क़ाऊ कदर के मामलों और ये तो वो दिय सो मच आई कैन टेल यू ऑफर अच्छा एक मजे की बात सही ट्रेनिंग करो साल से ठीक है इस साल में तो यू माइट यू माइट इवन सी मी रिंग इन और सो इवन अर्लियर शायद दो हजार तेईस में मुझे एक मेरा मै मैच करते भी, खेलते हुए देखे एमए का सो दे सो मच टू फिटनेस भी आ गया अब पर्सनैलिटी में मेरी पहले इतना कुछ तो कुछ, कुछ था फिटनेस भी आ गया तो सबको मैंटेन रखना एक प्रॉपर फिट करना सर्कल में जो मेरी personality से मैच करे दैट वॉज समथिंग जो मेरी मुश्किल दे रहा था क्योंकि मैं क्योंकि एट दिस स्टेज इन माई लाइफ एट दिस स्टेज इन माई एज एज वेल मैं अपने आप एक प्रॉपर स्कॉलरली टच नहीं देना चाह रहा मैं दे सकता हूँ क्या मुश्क, मुश्किल बातें करनी है आपने आम अब आपके लिए मुश्किल <laughs> चाहे मुश्किल बातें करनी है चाहे मुश्किल टॉपिक पर कर लिया आपने और आप एक आपकी जो वो है ना पर्सनैलिटी बन जाती है स्कॉलरली लेकिन मैं अभी भी उनको टैक्स देना ही देना ही चाह रहा आपको टच देना चाह रहा हूँ ऑफ हाउ अ मुस्लिम यंग मुस्लिम स्टूडेंट इज वो बॉक्सिंग वो एम एम ए भी करता है वो लिखता भी है वो पढ़ता भी है वो सीखता भी है ठीक है इस तरह की मैं चाह रहा हूँ तो फाइंडिंग राइट बैलेंस थिंग फॉर मी अब मुझे लग रहा है इन माई हेड कि आई हैव फाउंड द राइट राइट मिक्स कि कैसे जो मैं इस्लाम को भी प्रोपोगेट कर सकता हूँ विदाउट बी ओवरली स्कॉलरिश ठीक है मैं प्रॉपर सेल्फ डेवलपमेंट को कर सकता हूँ बिकॉज लाइफ कोच तो हूँ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ साथ साथ अपने फेवरेट फलसफे को भी लोगों को डाल सकता हूँ और कभी वक्त है तो अपनी अपनी बॉक्सिंग मैच अपनी फाइट भी दिखा दूँ उसकी टिप्स भी दे दूँ सो या अच्छा लास्टली वीडियो पिछले कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो काटनी पड़ी ठीक है आई विल वैंड ऑन नोट दो तीन चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये है कि मेरी पिछली बार कोई भी बात मैं ऐसा मैं सोचना हो कहीं भी कि मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं एक्सपर्ट किसी चीज़ का हुआ भी हुआ अभी जब जब भी मैंने बात किया ना मैं साइकोलॉजी का सब एक्सपर्ट हूँ ना मैं फिलासफी का एक्सपर्ट हूँ फिलसफी का एक्सपर्ट होता भी कोई नहीं है ठीक है इट्स इट्स ऑफ थाट्स तो उसमें एब्रक्शन ही होती है लेकिन मैं इस्लाम का भी स्टूडेंट हूँ बहुत नाकस छोटा काम स्टूडेंट हूँ ठीक है मैं एम ए में भी अभी शुरू की है मैंने कहा शायद अब मेरा मैच देखा दो हज़ार तेईस में मैंने ये नहीं कहा मैं चैंपियनशिप जीत के ला रहा हूँ तो कोई भी किसी गलत सेंस में ले इस चीज़ को बस यही है कि देर तो सो मच टू मई पर्सनैलिटी जिस पर मैं बात कर सकता हूँ सही या गलत बात नहीं कर सकता ठीक है मुसल्भ भी नहीं होती बात जिस पर मैं बात कर सकता हूँ तो देर तो सो मच मैं टू पर्सनैलिटी और मैं बात करूँगा भी मैं उसी टॉपिक को छोड़ दूँगा मैं थी खुद ही बात करूँगा मैं सोशलिज्म पे और लेबरलिज्म पे फेबरिज्म पे प्रॉपर वीडियोज़ बनाऊँगा मैं इसी तरह सेल्फ डेवलपमेंट पे हैप्पीनेस पे ग्रोथ पे मूविंग ऑन पे प्रॉपर वीडियोज बनाऊँगा फिलोस्फ़ा कदर के मामला तो प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे इन शाला उसके अलावा भी बताएगा कैसे जिंदगी में एक यंगस्टर एक एक के साथ लड़का कैसे मामला ठीक कर सकता है अपने एक्सेट्रा सो डोंट वरी बहुत मजा आएगा आने वाला है बहुत सारे वीडियोज बनाने वाले हैं हम लोग ज़्यादातर और पॉडकास्ट तो मेरा एक चीज़ जो मुझे पसंद है अपने एक चीज़ जो मेरे पूरी जर्नी में की है और एक चीज़ जो मुसलम हो गई है वो ये है कि मोहम्मद बिलाल अली और पॉडकास्ट का एक अच्छा रिश्ता है ठीक है मुझे करने ही मजा आता है और चलते भी है वो अल्लाह तला की तरफ से तो पॉडकास्ट तो करने है, उसके अलावा उन्हें सारी वीडियोज़ भी करती है आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे है दे दे और शायद आप लोग से सेशन भी कर दे पोलिकली कुरैक्ट लाइक खैर तो आई या बाय